आनंदी को आईपीएल देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और अब तो आईपीएल भी शुरू हो गए थे, इसलिए आनंदी अब बहुत ज्यादा खुश रहती है। ऐसे ही एक दिन आनंदी फोन में आईपीएल देख रही होती है, तभी वहाँ आनंदी के साथ सरिता आती है। अरे बहू, तू क्या देख रही है अपने फोन में? अरे मुझे भी तो बता, मैं घर में बैठकर अकेले बोर हो रही हूँ, देख लिया करूँगी तेरे साथ। बता ना क्या देख रही है तू फोन में? माँ जी, मैं तो आईपीएल देख रही हूँ, आपको समझ नहीं आने वाला है, इसलिए आप रहने दीजिए। लेकिन जो भी कहो माँ जी, आईपीएल देखने में मजा बहुत आता है। जब भी आईपीएल शुरू होते हैं, मैं हमेशा ही आईपीएल देखती हूँ, कभी मिस नहीं करती हूँ। बहू, ये तो वही मैच होते हैं ना जो लड़के लोग कहीं भी खेलते रहते हैं, क्रिकेट की तरह। हाँ माँ जी, वही होते हैं, लेकिन ये हमारे भारत के अलग अलग स्टेट में खेले जाते हैं। जो स्टेट के नाम पे टीम बना के खेला जाता है, उसे ही आईपीएल कहते हैं। मुझे ये तो नहीं पता ये कब शुरू हुआ था, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि मैं इसे रोज देखती हूँ, आईपीएल देखने में बड़ा मजा आता है। बहू, तुझे मेरे से क्या दुश्मनी है? मुझे भी बताना कि लोग ये कैसे खेलते हैं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में अकेले ही रहते हैं, तू भी या तो अपने कमरे में बैठी रहती है या तो फोन में लगी रहती है, और मैं भी अकेले बोर होती रहती हूँ। मैं भी तेरे साथ बैठकर देख लिया करूँगी, क्यों, सही रहेगा ना? नहीं माँ जी, आप रहने दो, आपको समझ नहीं आने वाला है। फिर आप यहाँ बैठ के ये कहोगी कि बहू ये क्या हो रहा है, बहू वो क्या हो रहा है, फिर ना मैं आपको समझा नहीं सकती। आपको समझाना तो मेरे बस के बाहर है। ऐसे कैसे बहू, तू मुझे गंवार समझती है क्या? अगर तू मुझे समझाएगी, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझ जाऊंगी। अब जल्दी से मुझे बता कि आईपीएल कैसे खेलते हैं। सरिता के कहने पर आनंदी अपनी सास को आईपीएल समझाने लगती है, लेकिन सरिता को कहां ही आईपीएल समझ आता है, इसलिए वो बात बात पर आनंदी से सवाल और जवाब करती रहती है। और आनंदी भी आईपीएल देखने में काफी डिस्टर्ब हो रही थी। आनंदी अपनी सास को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाती है और हॉल में देखने लगती है। अब सही है ना, अब मैं यहाँ पे आराम से देखूंगी। माँ जी को तो ये बताओ वो बताओ, बॉल किसने पकड़ी, बैटिंग कौन कर रहा है, ये सबसे तो मैं परेशान हो गई थी। अब मैं यहाँ आराम से देखूंगी बैठ के टीवी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। माँ जी अब कमरे में आराम से मैच देखेंगी और मैं यहाँ देख लेती हूँ। आनंदी वापस से आईपीएल देखने लगती है और साथ में चिप्स कुरकुरे भी खा रही होती है। सरिता को फिर आईपीएल में कुछ समझ नहीं आता, वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बहू से कहती है। बहू, तू कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुझे मुझे समझाना चाहिए ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किसने किसको बॉल मारी, किसने किसको ऑल आउट किया, या कौन किसके साथ चीटिंग कर रहा था। माँ जी, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी है, वो सही बोल रहे हैं। देखो, अगर बॉल उनकी तरफ आ रही है तो सामने वाली टीम तो आउट होगी ना, अगर उसने बॉल कैच कर लिया है तो। अगर बाउंड्री के बाहर बॉल चली गई तो बैटिंग करने वाले को पॉइंट्स मिलेंगे। आपने माँ जी समझने में बहुत समय लगा रही हैं, मुझे देखने दीजिए आईपीएल, मैं आईपीएल छोड़ नहीं सकती, नहीं तो मेरा मैच निकल जाएगा आपसे बात करने के चक्कर में। अपनी सास को बताकर वहाँ से वो चली भी जाती है और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम से देखती है। कुछ दिनों बाद आनंदी अपनी सहेली पूजा के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, तभी आनंदी पूजा से कहती है। यार जल्दी चल लेना, मेरे आईपीएल शुरू होने वाले हैं, मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर देर लगेगी तो मुझे बता दियो, लेकिन तूने तो मना कर दिया था कि देर नहीं लगेगी, पर अब तू देर कर रही है यार, चल ना मुझे घर जल्दी जाना है। अरे हाँ चली जाइयो घर, हम यहाँ शॉपिंग करने आए, कम से कम वो तो कर ले, फिर चली जाइयो, तू अपना आईपीएल देख लियो। नहीं नहीं, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अपना आईपीएल बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती मैं, अभी तेरी गलती है कि तुझे शॉपिंग करने में टाइम लग गया, मुझे तो घर जाना है और अपना आईपीएल देखना है, अब तो देख ले। तो थोड़ी देर में ही शॉपिंग करके आ रही है या मैं घर जाऊं? अरे क्या है तेरी दिक्कत, क्यों इतने आईपीएल के पीछे पड़े रहती है? अरे फोन में भी तो आता है, फोन में देख लियो, जरूरी है क्या टीवी में देखना? अभी शॉपिंग करने आए हैं, पहले शॉपिंग कर लेते हैं, एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तब भी तू आईपीएल बोले जा रही है। हाँ बिल्कुल, जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पहले ही तय हो गई थी और तूने मेरी सारी बातों पे हाँ भरा था और अब तू पलट रही है। यार देख, मुझे ना अपना आईपीएल देखना है और आईपीएल के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तू जल्दी से शॉपिंग कर ले वरना मैं तुझे यहाँ से छोड़ के ही घर चली जाऊंगी। पूजा की शॉपिंग नहीं हुई होती है और आनंदी को आईपीएल देखना था, इसलिए वो अपने दोस्त पूजा को वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और आनंदी का आईपीएल का भूत चढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद आनंदी अपने पति मयंक से कहती है। मयंक, आजकल आईपीएल चल रहे हैं, तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुम आईपीएल को लेकर इतने शांत कैसे हो? शांत नहीं हूँ मैं, बस शांत होना पड़ा है, वैसे भी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सैलरी भी बढ़ानी है,
तो उसका भी टाइम आ रहा है। कुछ भी गलत हो गया तो काम में ना लेने के देने पड़ जाएंगे और सैलरी बढ़ेगी नहीं, वो अलग। तुम तो बस अपना आईपीएल देखो, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी कहाँ। ऐसी किस्मत चाहो तो तुम्हारी भी हो सकती है। चलो ना आईपीएल देखने चलते हैं स्टेडियम में, मेरा ना बड़ा मन है। मैंने आज तक ना स्टेडियम में आईपीएल नहीं देखा है। अभी हम साथ में चलेंगे आईपीएल देखने तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आईपीएल ना मेरा फेवरेट है। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम दोनों ने स्टेडियम में जाके आईपीएल देखे। अभी तो तुम्हें बताया यार, बहुत ज्यादा काम है, अपने काम में असफल मैं नहीं हो सकता। अगर तुम्हें देखना है ना तो तुम चली जाओ, किसी दोस्त को ले जाना है तो दोस्त को ले जाओ, माँ को ले जाना है तो माँ को ले जाओ, लेकिन मुझे ले जाने का ना इरादा ना छोड़ दो। और वैसे भी ये स्टेडियम का टिकट इतनी जल्दी कहाँ ही मिलता है जो तुम जा पाओगी। कोई बात नहीं, अगले साल चले जाएंगे, लेकिन इस साल मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। नहीं ना, मुझे इसी साल जाना है, अगले साल दोबारा चले जाएंगे। देखो तुम हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते हो, तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे आईपीएल कितना ज्यादा पसंद है। अगर तुम मेरे साथ आईपीएल देखने चलोगे तो क्या हो जाएगा, एक आईपीएल की ही तो बात है, एक आईपीएल के लिए तुम अपनी पत्नी को दुखी कर रहे हो। लेकिन अगर मेरी पत्नी खुद नहीं समझना चाहती है, उसको दिक्कत है, तो मैं क्या करूँ। देखो बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, और मैं सच में काम को छोड़ के ना कोई लापरवाही नहीं कर सकता, बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर मैं फ्री हो गया तो चल लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी चांस है कि मैं फ्री हूँगा। आनंदी स्टेडियम में आईपीएल देखने के लिए जिद करके बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी जिद नहीं मानता है कोई, तो इसलिए आनंदी गुस्से में आकर खाना पीना छोड़ देती है। दो दिन हो जाते हैं और आनंदी कुछ भी खा पी नहीं रही थी। ये देखकर ये सब उसके पति से देखा नहीं जा रहा था। वो अपने ऑफिस में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसका बॉस उसकी छुट्टी के लिए मान जाता है। उसी शाम में ही वो पैसों का जुगाड़ करके स्टेडियम के दो पास लेकर आता है और आनंदी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अब तुम अपने आंसुओं को पोछो। तुम्हारे आंसू बहुत बह चुके हैं, इसलिए ना कह रहा हूँ आंसू पोछ लो। और ये दो स्टेडियम के टिकट जो लाया उन्होंने, इसके बदले ना तुम्हें मुझे ना वादा करना होगा कि तुम आज के बाद कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगी। ओ मयंक, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इस बात की ज्यादा खुशी हो रही है कि जब हम आईपीएल स्टेडियम में देखने जाएंगे तो वहाँ कितने सारे क्रिकेटर्स होंगे, विराट कोहली होगा जो कि तो मेरा फेवरेट है। अब मैं ना तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, बस मैं एक बार मैच देखने जाऊँ। आनंदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद मयंक और आनंदी दोनों शाम के समय स्टेडियम में आईपीएल देखने के लिए चले जाते हैं और खूब मजा करते हैं। एक रोज मुकेश अपने दोस्त दीपक के साथ रूम में बैठकर बातें कर रहा था। यार फिर से ये रूम के किराए देने का टाइम आ गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से दूं। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है। अरे मुकेश तू इतनी चिंता मत किया कर, मैं हूँ ना, मैं भर दूंगा रूम का किराया इस बार। क्या सच में तू भर देगा किराया? तूने ये बात बोलकर मेरी आधी से ज्यादा चिंता खत्म कर दी। कोई बात नहीं, मुझे तू अपना दोस्त समझ, और आज से तो मैं भी तेरे साथ ही इसी कमरे में रहूंगा, क्योंकि आज से मैं तेरा रूममेट हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई तो सही इंसान आया जिसके साथ रहकर मजा आएगा। अरे यार तू मजे ले, टेंशन मत लिया कर, मैं तुझे पूरे मजे करवाऊंगा। दीपक मुकेश की बात को समझ नहीं पाता। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन सुबह दोनों ही ऑफिस से घर आते हैं। घर आने के बाद दीपक को रूममेट मुकेश खाना बनाने लगता है, और जिसे देखकर दीपक कहता है, अरे तुझे खाना बनाना भी आता है? मुझे तो आज तक ठीक से गोल रोटी तक बनाने नहीं आई। कहने को मैं काफी समय से अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ, लेकिन तू तो सब कुछ परफेक्ट बना रहा है। हाँ मुझे सब कुछ आता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना भी बना दिया करूँगा। कमाल है, तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा मेरे लिए, आज तक तो मैंने नहीं देखा ऐसा रूममेट। कुछ देर बाद मुकेश खाना बनाकर लेकर आता है और दीपक के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में सोने के लिए जाते हैं। दीपक मुकेश को कहता है, देख भाई ये एक ही बेड है जिस पर हम दोनों को सोना होगा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक बेड पर सोने से। वैसे अगर तुझे दिक्कत होती भी तो क्या करता, सोना तो फिर भी तुझे इसी पर पड़ता ना, चल आ जा। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं उस बेड पर एक साथ। आधी रात को मुकेश दीपक को अपनी बाहों में भरकर उसके चिपक जाता है। तभी दीपक की आंख खुल जाती है और वो मुकेश को लात मारते हुए उससे कहता है, ओए ये क्या कर रहा था तू, ऐसे कौन सोता है साले, मैं तेरी बंदी नहीं हूँ,
और तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की इतनी ही याद आ रही है तो उसके पास जाकर सो जा। नहीं नहीं, वो मैं नींद में था तो बस इसलिए, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब मुझसे दूर होकर सोया कर। चल चल कोई बात नहीं, तू भी नींद में था, पर आगे से ध्यान रखियो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ हाँ, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ भी। ऐसे ही समय बीतता है। दीपक आज फिर रात को सोने जा रहा था। आज दीपक बेड पर अपनी तरफ पिलो को लगाने लगता है, जिसे देखकर मुकेश कहता है, ये क्या कर रहा है तू, इन पिलो को ऐसे क्यों लगा रहा है, वैसे ही बेड पर जगह कम है, तूने ये पिलो लगा दिया। क्या करूं, तेरी हरकतें ही ऐसी है, आधी रात को तू मेरी घरवाली जो बन जाता है। अरे और मुझे अभी घरवाली की जरूरत है नहीं, और इस पिलो से आगे आया ना तो बेटा ऐसी लात मारूंगा ना, सीधा रूम से बाहर जाएगा। मुकेश दीपक के पास जाता है और उसके पास जाकर उसे कहता है, भाई तू ऐसा निकला, गद्दारी करेगा अब तू, मुझे तेरे साथ ऐसे सोने में मजा आता है, सोने दिया करना। ओए ओए दूर आकर मुझसे, तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तू मार खा के मानेगा। ठीक है भाई, नहीं आऊंगा पास। रात होती है और दोनों सो रहे होते हैं। आज फिर आधी रात को मुकेश पिलो को बीच में से हटाते हुए दीपक को बाहों में भर लेता है। दीपक उठकर बैठ जाता है और मुकेश को भी उठाकर बैठा देता है और फिर मुकेश को कहता है, क्या चाहता है भाई तू, तेरा रोमांस खत्म हो गया है तो अब मैं चैन से सो जाऊं, कल सुबह ऑफिस भी जाना है भाई। सॉरी भाई यार, मैं नींद में था, पता नहीं चला, सपनों में खोया हुआ था, बगल में कौन है भूल गया था। चल एक काम करता हूँ, तू यहाँ सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। मुकेश बेडशीट लेकर जमीन पर सोने चला जाता है। मुकेश जमीन पर सोते हुए अपने मन में कहता है, मैं कैसे बताऊं दीपक को कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कहीं वो ये सब कुछ जानकर मुझे छोड़ ना दे। ऐसे ही समय बीतता है। दीपक अभी भी नहीं समझ पाता कि मुकेश उसके बारे में क्या सोचता है। एक दिन ऐसे ही मुकेश और दीपक साथ में बैठकर बियर पी रहे थे, तभी मुकेश दीपक से पूछता है, अच्छा दीपक, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है जिसको तुमने बहुत प्यार किया हो? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड थी तो यार, उसको मैं बहुत प्यार करता था। एक दिन मैंने उसके लिए पूरा रूम सजाया था, पूरे रूम में कैंडल्स और फ्लावर्स लगाए थे और उसको प्रपोज किया था मैंने। अरे बहुत खुश हुई थी वो, लेकिन फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि काश कोई मुझे भी उसी तरह प्रपोज करे यार। अगर तुम्हें किसी ने इस तरह से प्रपोज किया तो क्या तुम उससे प्यार करने लगोगे? हाँ शायद कर भी लो। दोनों देर रात तक बातें करते हैं, फिर कुछ देर बाद दीपक जाकर बेड पर सो जाता है। मुकेश आज फिर जमीन पर अपना बिस्तर करता है और वहीं सोता है। दीपक की कही हुई बातें सोचकर वो मन में कहता है, अब मुझे भी पता चल गया है कि दीपक को कैसे अपने दिल की बात बतानी है। ऐसे ही समय बीतता है और दीपक सुबह ऑफिस चला जाता है। दीपक के ऑफिस चले जाने के बाद मुकेश मार्केट जाता है। मार्केट से बहुत सारे कैंडल, रोज, चॉकलेट, केक लेकर आता है और अपने रूम को सजाने लगता है। वो अपने कमरे को पूरी तरह सजा के रात का डिनर बनाने लगता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और दीपक ऑफिस से रूम पर आता है। दीपक रूम नॉक करता है और मुकेश दरवाजे की आवाज सुनकर गेट खोलने आता है। दीपक जैसे ही रूम में घुसता है, पूरा रूम डेकोरेट देखकर मुकेश को कहता है, ये रूम इतना सजा क्यों रखा है तूने? तेरी बंदी आने वाली है क्या? पहले बता देता तो मैं आज कहीं बाहर ही रुक जाता। वैसे रात में रुकेगी तो नहीं ना, क्योंकि देख मैं अब कहीं जाने तो वाला नहीं, इस कमरे में ही रहूंगा। एक मिनट, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई, बोल। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उस दिन बताया तो था बियर पीते वक्त। हाँ, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं भूल गया था। लेकिन फिर इतनी तैयारी किसके लिए? तेरे लिए किया है मैंने ये सब। तूने कहा था ना कि तू चाहता था कि कोई तुझे इस तरह से प्रपोज करे, इसलिए मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया है। साले तू पागल है क्या, तू क्यों करेगा ये सब मेरे लिए? मुझे ये सब पसंद है, ये कहा था मैंने, लेकिन ये भी कहा था कि कोई लड़की करे मेरे लिए ये सब। और साले तू कोई लड़की है, तेरे साथ ये सब थोड़ी फील करूंगा मैं। हाँ पर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा रूममेट वाला प्यार है। ओए ओए ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या बके जा रहा है भाई? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और तू लड़का है, लड़का, तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं मैं सिर्फ लड़का हूँ। अबे साले तू क्या कहना चाहता है, तू लड़का है पर तू लड़का नहीं है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और मैं अपने रूममेट से प्यार करता हूँ, मतलब कि तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे लग रहा था कि तू कूल बनने के लिए नौटंकी कर रहा है। अरे अंदर से तो तू गे निकला बे, और आज तेरी इस हरकत ने सब क्लियर कर दिया। अब पता चला तू हर रात मेरी घरवाली क्यों बन जाता है। लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे हमेशा खुश रखूंगा। देख अगर तूने भी मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना।
दीपक मुकेश का ये पागलपन देखकर डर जाता है और दीपक मुकेश का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है और उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, देख मुकेश, मैं समझ सकता हूँ कि तू अभी क्या फील कर रहा है, लेकिन तू मेरी बात को समझ, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ और मैं तुझसे प्यार करता भी नहीं हूँ, मैं तो बस तुझे अपना एक नॉर्मल रूममेट मानता हूँ। भाई मैं गे नहीं हूँ, जो तेरी तरह है तुझे उसकी जरूरत है, तू उनसे प्यार कर जो तेरी इस तरह की फीलिंग को समझ पाए। अरे मैं तुझे कभी नहीं समझ पाऊंगा, जो तू ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूँ, समझ मेरी बात। मुकेश को दीपक की बोली हुई बातें समझ आ जाती है, वो समझ जाता है कि किसी के साथ जबरदस्ती करना या अपनी फीलिंग को उस पर थोपना कितना गलत है। ऐसे ही समय बीतता है। अगले दिन सुबह मुकेश अपना बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या आपका भी कोई ऐसा रूममेट से पाला पड़ा है, तो हमें कमेंट करके उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अमन की शादी रूबी से होने वाली थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही अमन को फोन आता है कि रूबी घर छोड़ कर जा चुकी है, जिससे अमन टूट सा जाता है क्योंकि अमन रूबी से बहुत प्यार करता था। अब अमन रूबी को बहुत ढूंढता है, उसके दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछता है, लेकिन रूबी का कहीं भी पता नहीं चलता। अब अपनी बेटी को परेशान देखकर कुंती अपनी बेटी अमन से कहती है, मुझे पता है कि तू रूबी से कितना प्यार करता था, तूने उससे मंदिर में शादी तक कर ली थी, मैंने फिर भी तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अमन अब इस बात को काफी दिन बीत गए हैं, तो मेरा कहना मानेगा? माँ, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे उसके भाई पर शक है, उसने ही उसके साथ कुछ किया है। बेटा, हम भी क्या कर सकते हैं, तूने रूबी को जितना ढूंढना था ढूंढ लिया, लेकिन अब तुझे मेरी बात माननी ही होगी। माँ, मुझे थोड़ा और समय दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रूबी घर छोड़कर जा सकती है। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तेरी शादी मैं गीता से करवाने वाली हूँ। माँ, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं उसे रूबी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। अब कुंती अपने दूर के रिश्तेदार में ही अपने बेटे अमन की शादी करवा देती है। अमन तो अब भी उस गम से उभरा नहीं था, लेकिन इसी के साथ समय भी बीत रहा था। और करीब 6 महीने के बाद जब अमन किसी काम से मुंबई जाता है, तो उसे एक बस स्टैंड पर रूबी दिखती है, जो अमन को देखकर उसे देखती रह जाती है। अब अमन रूबी को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और रूबी अमन को देखते हुए उससे कहती है, अमन तुम्हें पता है भैया ने मुझे मासी के घर भेज दिया हमारी शादी के एक दिन पहले। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन रूबी अब देर हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, माँ ने मेरी शादी तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही करवा दी थी। मुझे कहीं भी रख लेना, मैं जी नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी मासी मेरे लिए रिश्ता देख रही है। ठीक है, अभी घर के लिए निकलने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब अमन रूबी को मुंबई से मेरठ ले आता है और एक किराए के घर पर रूबी को रखता है। यहाँ तक कि एक रोज कुंती अमन से कहती है, अमन आजकल तू रात की ड्यूटी भी कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? माँ, अगर रात की ड्यूटी नहीं करूँगा तो अपने बाप की तरह ही गरीब मरूंगा। अच्छा ठीक है, अब सारा दोष तो अपने बाप को ही ना दे। अब अमन ज्यादा से ज्यादा समय रूबी के साथ रहता और बाकी टाइम ड्यूटी करता था। एक रोज कुंती मार्केट से घर आ रही थी, तभी वो देखती है कि अमन रूबी के साथ मार्केट में घूम रहा है। ये देखकर कुंती को हैरानी तो बहुत होती है, लेकिन अब कुंती उन्हें बिना कुछ बोले घर आ जाती है। देर रात अमन भी घर आता है, तभी हॉल में बैठी कुंती अपने बेटे से कहती है, आ गया रूबी से मिलकर, और कहाँ मिली तुझे रूबी? माँ, आपको किसने कहा कि मैं रूबी के साथ रहता हूँ? मैंने अपनी आँखों से देखा था, तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है मुझे? माँ, वो मुझे मुंबई में मिली और उसके भाई ने ही उसे वहाँ रखवाया था, और मैं रूबी के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे किराए के घर में रखा है। बहू आजा तू भी, तेरा जानना भी तो जरूरी है। माँ, ये बाहर वाली का क्या चक्कर है, मुझे नहीं रहना अब इनके साथ, तभी तो मैं कहूँ ये शुरू से मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें तो मैंने अपने घर में रखा है और पत्नी होने का दर्जा दिया हुआ है, वरना तुमसे तो मैं बात भी नहीं करता। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मेरी जिंदगी खराब करने पर लगे हुए हैं? जब आपको उस बाहर वाले से ही प्यार था, तो आप मुझे शादी करके यहाँ लाए ही क्यों? बहू, रूबी और अमन के बीच में क्या रिश्ता है, ये सब कैसे हुआ, सब बताऊंगी, लेकिन अब समय आ गया है उसे भी यहाँ लाने का। माँ जी, अब आप भी इनकी साइड ले रही हैं, बल्कि आपने तो मुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है ना। अब रूबी भी अमन के साथ घर आ जाती है, लेकिन कुंती घर वाली और बाहर वाली में पिस चुकी थी। जब से रूबी आई थी, तब से गीता रूबी से खूब लड़ती झगड़ती थी। एक रोज रूबी बर्तन धो रही थी, तभी गीता आती है और रूबी के हाथों से बर्तन लेते हुए कहती है, ना जाने कैसी औरत है तू, पहले तो मेरा घर तोड़ने चली आई,
और अब तू इन गंदे हाथों से इन बर्तनों को अशुद्ध कर रही है। गीता वो भी इस घर की बहू है तो जुबान संभाल कर बात कर। वाह माँ जी वाह, किसी को भी घर ले आओ और कहो कि मेरी बहू और मैं कौन हूँ। गीता भी अब अपनी सौतन को देख नहीं पा रही थी क्योंकि कुंती ही नहीं अमन भी रूबी का खूब ख्याल रख रहा था, क्योंकि रूबी की प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ कुंती को अमन ने बताया था और गीता को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। एक रोज कुंती की पड़ोसन विमला का कुंती के घर आना होता है। अरे ओ बड़ी बहू, तेरी सास नहीं है क्या? उससे ही मिलने आई थी, कहीं नजर तो नहीं आ रही? वो कहीं गए हैं, मैंने भी नहीं पूछा आंटी कि कहाँ जा रही हैं वो। अच्छा अब याद आया, कुंती कह रही थी कि उसे अपनी छोटी बहू यानी उसे बाहर वाली को हॉस्पिटल लेकर जाना था। क्यों, उसे क्या हुआ है? दौरे पड़ रहे हैं क्या उसे, जो सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं? अरे बहू, तुझे घर में होकर खबर नहीं है क्या? तेरी बाहर वाली सौतन पेट से है 5 महीने की। क्या मजाक कर रहे हो आप भी विमला आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? उसे यहाँ आए हुए तो 3 महीने ही हुए हैं और वो 5 महीने की, मतलब? हाँ वही मतलब है, तू तो इस घर को वारिस दे नहीं पाई, लेकिन वो तो यहाँ आने से पहले से ही पेट से थी। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब जब कुछ समय बाद कुंती अमन और रूबी घर आते हैं तो कुंती से गीता कहती है, अब तो आप खुश है ना माँ जी, मेरे होते हुए इस बाहर वाली को आपके बेटे ने इस घर की बहू बना ही लिया और अब तो ये इस घर को वारिस भी देने वाली है। बहू इसमें उस बेचारे की क्या गलती, वो भी तो अमन से प्यार करती है, तेरे आने से पहले वो इस घर से जुड़ी है। तो इसे ही जोड़ कर रखते ना, मुझसे अपने बेटे की शादी करके एक साथ कई जिंदगी बर्बाद क्यों की आप लोगों ने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गीता को जब ये बात पता चलती है कि रूबी अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी सारी उम्मीदें भी टूट रही थी, लेकिन गीता खुद को संभालती है और वो अपने मायके जाकर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब धीरे धीरे समय नजदीक आता है और रूबी को एक बेटा होता है। अमन कुंती सब खुश होते हैं, लेकिन गीता को थोड़ी भी खुशी नहीं थी। एक रोज कुंती गीता से कहती है, बहू तू ऐसे क्यों रहती है, थोड़ी बातचीत किया करना सबसे, आज ना कल ये सब तेरा ही तो है। माँ जी मुझे दीदी से कुछ कहना है। दीदी ये बच्चा बेशक मेरी कोख से ही जन्मा हो, लेकिन ये बच्चा आपका ही रहेगा और ये आपको ही माँ कहेगा। मुझे नहीं चाहिए तेरा बच्चा, तू इसे रख और मुझसे दूर ही रहा कर। दीदी अब तक मेरी वजह से इस घर में जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब तुझे ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझ जैसी औरतों का मुझे अच्छे से पता है। अब रूबी तो जा चुकी थी, लेकिन वो जाने के साथ अपने पीछे अपने बच्चे को छोड़ जाती है और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, मुझे इस घर में बहुत प्यार मिला, मैं अपने इस बच्चे के लिए यहाँ अब तक रुकी थी लेकिन मुझे सबने बहुत प्यार दिया, अब मैं जहाँ भी जा रही हूँ खुश हूँ। तो क्या रूबी अब तक इस बच्चे के लिए यहाँ रुकी थी और मैं अब तक उसे गलत समझती रही? बहू मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी लेकिन तू समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, अब ना जाने रूबी कहाँ को गई है। माँ जी हमें उसे ढूंढना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद गीता को बहुत पछतावा होता है कि उसने कभी रूबी को समझा ही नहीं, वो गलत तो बिल्कुल नहीं थी। अब रूबी को सब ढूंढते भी है लेकिन रूबी कहीं भी नहीं मिलती। बहू इसलिए मैं तुझे बार बार कह रही थी कि तू रूबी से बात कर ले, वो गलत नहीं है, ना जाने वो कहाँ जाएगी। माफी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, अब तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा।